नमस्कार दोस्तों, आज हम राम खिचड़ी बनाएंगे, यानी सारी सब्जियां और जो बचा कुचा सामान है घर के अंदर, जो अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स हैं, उनके साथ में खिचड़ी बनाएंगे। ये चाहे तो आप राम खिचड़ी भी बोल सकते हैं। इसके अंदर हम बची हुई सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे और घर में बनाए हुए गट्टों का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, जब फ्रिज खाली होता है तो अक्सर ये रेसिपी बनाती हूँ मैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। 2 कप चावल ये है, बासमती चावल है, जिसे हम एक बड़े बाउल के अंदर निकाल देंगे। चावलों को हम अच्छे से 2-3 बार पानी से धो देंगे और उसके बाद यहाँ पर मैंने पानी से इसको धो दिया है, बाउल के अंदर निकाल दिया है। इसके बाद हम इसको पीने के पानी के साथ में भिगो देंगे 1/2 घंटे के लिए। हमें ज़्यादा नहीं भिगोना है, बासमती चावल है इसलिए 1/2 घंटे ही हम इसको भिगोएंगे और इसको एक तरफ रख देंगे। तब तक हम दूसरी तैयारी शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच बेसन लिया है। अगर आपके घर में सदस्य ज़्यादा हैं तो आप बेसन की मात्रा बढ़ा सकते हैं, और घर में सदस्य कम हैं तो बेसन की मात्रा घटा सकते हैं। यहाँ पर मैंने 4 जो मेंबर है मेरे फैमिली के, उसके हिसाब से बना रही हूँ। तो यहाँ पर 2 कप बेसन लिया है और उसके बाद इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर डाला है, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर मैं इसके अंदर डालूंगी, नमक हम इसके अंदर स्वाद के अनुसार डालेंगे, थोड़ा सा हम इसके अंदर गरम मसाला डालेंगे, और थोड़ा सा जीरा हम इसके अंदर डालेंगे। अब हम 2-3 चम्मच तेल डालेंगे इसके अंदर, ताकि ये मोयन जैसा काम करे, और इसको हाथों से अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमारा जो तेल है वो अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एकदम इसका आटा गूंदना है हमें इसका। ज़्यादा पानी एक साथ मत डालिएगा, नहीं तो एकदम घोल जैसा हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एकदम नॉर्मल सा आटा गूंदना है हमें इसका, एकदम सख्त आटा नहीं गूंदना है। तो ये हमारा बेसन का आटा जो है वो बनकर तैयार हो गया है। 1 चम्मच तेल डाल के हम इस आटे को जो है वो अच्छा सा स्मूथ कर देंगे, और इसके बाद हम इसको एक प्लेट में निकाल कर इसके गट्टे बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा आटा जो है स्मूथ हो गया है। अब हम इसकी छोटी छोटी जो है वो लोइयाँ लेके इसको ऐसे हाथों से लंबा सा करके ये गट्टे बनाएंगे। तो सारे गट्टे जो है हमारे इसी तरीके से हमें बनाने हैं, और इसके बाद हम इसे चाकू की मदद से काट के गट्टे तैयार कर लेंगे। ये रेसिपी जो है वो 1 पॉट रेसिपी है, यानी हम एक ही बर्तन के अंदर ये रेसिपी बनाएंगे। जैसे हमें चावल उबाल के अलग नहीं करने हैं बिरयानी बनाने के लिए, सब्जियों को अलग ग्रेवी नहीं बनानी है, हम एक कुकर के अंदर इस रेसिपी को बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने गैस पर कुकर रख दिया है, और आज को हम लो मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। अभी 4 से 5 बड़े चम्मच जितना हम इसके अंदर तेल डालेंगे, और एक बार हम जब तेल गर्म हो जाएगा तब हम गट्टे इसके अंदर डाल के फ्राई करेंगे। गट्टे हमें ज़्यादा गोल्डन होने तक फ्राई नहीं करना है, लेकिन इनका कच्चापन निकल जाए और हल्के भूरे हो जाए तब तक इन्हें फ्राई करेंगे, क्योंकि तले हुए गट्टे जो हैं वो स्वाद में बहुत ही अच्छे लगते हैं खिचड़ी के अंदर। तो हम इस तरीके से इनको एक बार तल देंगे और इसके बाद हम इसे निकाल देंगे। गट्टे ज़्यादा तेल नहीं पीते हैं, तो इसके बाद जो ये गट्टे निकालने के बाद जो तेल बचेगा हम उसी के अंदर जो है वो खिचड़ी बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे गट्टे तल लिए हैं और प्लेट में निकाल दिया है मैंने। अब हम इसके अंदर जीरा डाल देंगे, तेल क्योंकि हमारा गर्म ही है, और अब हम इसके अंदर काजू भी डाल देंगे। अगर आपको काजू नहीं डालने हैं या नहीं है घर में तो आप स्किप कर सकते हैं। इसके अंदर हम तेज पत्ता डालेंगे, दालचीनी और 8-10 काली मिर्च डालेंगे, ताकि जो है वो बिरयानी का एकदम अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। इसके बाद मैंने 1 बड़ा प्याज इसके अंदर काट के अच्छे से भून दिया है। प्याज को हमें गोल्डन होने तक सारी सामग्री के साथ में भूनना है। रेसिपी जो है वो 1/2 घंटे मतलब 35 से 40 मिनट में बनकर अच्छा सा डिनर तैयार हो जाता है, बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट्स में जो आपके पास घर में उपलब्ध हैं उसी के साथ आप इसे बना सकते हैं। बाहर जाने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अगर अभी लॉकडाउन चल रहा है तो। अभी आप ये रेसिपी लॉकडाउन में बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। आप इसके अंदर मैंने 1 बड़ा आलू जो है काट के डाला है, गाजर पड़ी थी छोटी सी फ्रिज के अंदर वो मैंने अच्छे से काट के इसके अंदर धो के काट के डाली है छिलका निकालने के बाद, और यहाँ पर गोभी के भी 2-3 जो टुकड़े पड़े थे मैंने वो काट के डाले हैं इसके अंदर। तो सब्जियां जो अवेलेबल है वही आप इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ पर मैंने अदरक पहले डालना भूल गई थी, तो अदरक को भी काट के इसके अंदर डाल दिया है अभी, और हरी मिर्ची 3-4 काट के डाली है इसके अंदर। तो जितनी आपको हरी मिर्ची पसंद है वो डाल सकते हैं। थोड़े से मटर जो पड़े थे वो फ्रिज के अंदर वो डाले हैं मैंने। आप इसमें और भी सब्जियां जो आपके पास अवेलेबल है वो डाल सकते हैं, क्योंकि राम खिचड़ी है तो इसके अंदर जितनी सब्जियां आपके पास अवेलेबल है वो डाल सकते हैं, और नहीं है तो भी चलेगा। तो यहाँ पर हम इसके अंदर सब्जियों को एक बार अच्छे से मिक्स करने के बाद कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर यानी सारे मसाले डालना शुरू करेंगे। तो लाल मिर्ची का पाउडर डाल दिया है मैंने, यहाँ पर हल्दी का पाउडर हम इसके अंदर डालेंगे,
मसाले आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना तीखापन और जितना स्वाद आपको चाहिए उतने मसाले डालिए। यहाँ पर मैंने गरम मसाला भी अभी इसके अंदर डाल दिया है। धनिया का पाउडर कई सारे लोग जो है खिचड़ी में डालते हैं, तो मैंने भी धनिया का पाउडर इसके अंदर डाला है, क्योंकि हलवाई लोग काफी जो है वो सब्जियों में और जो खिचड़ी वगैरह में भी डालते हैं। तो यहाँ पर मैंने नमक भी डाल दिया है और धनिया का पाउडर भी डाला है। इन मसालों को एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर मैंने 4-5 चम्मच जितना दही डाला है। अगर आपको दही नहीं डालना है तो टमाटर का पेस्ट भी डाल सकते हैं, और अगर नहीं डालना है वो भी तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने जो गट्टे जो फ्राई करके रखे थे वो डाल दिए हैं, और चावलों को हम पानी के साथ में ही डाल देंगे, क्योंकि आधा घंटा हो चुका है और इसके बाद हमें जरूरत होगी तो हम इसके अंदर और पानी मिलाएंगे। एक बार हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, क्योंकि हमने चावलों को भिगोने के लिए पीने का पानी इस्तेमाल किया था। यहाँ पर मैंने पानी अंदाजे से ही डाला है, क्योंकि मैं उतना ही पानी डालती हूँ चावलों के अंदर जितना चावल जो है अच्छे से डूब जाए उतना पानी डालती हूँ, नाप से नहीं डालती। तो आप चाहें तो 2 कप चावल में 5 से 6 कप पानी डाल सकते हैं। उसमें पुदीने का पाउडर जो है वो डाल दिया इसके अंदर, और धनिया पत्ती काट के डाला है। तो चावलों के अंदर जो पानी है वो चावल डूब जाए उतना डालती हूँ। उसके बाद पूरा चावलों में उबाल आने के बाद में मैं इसके ऊपर ढक्कन लगाती हूँ, और ढक्कन लगा के हम सीटी देंगे इसको पूरी। एक सीटी जब हमारे कुकर में आ जाएगी तब हम तुरंत गैस को बंद कर देंगे और प्रेशर को रिलीज करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेशर जब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और हवा नहीं रहेगी तब हम इसको खोलेंगे। और इसके बाद देख सकते हैं चावल जो है बिल्कुल खिले खिले और एकदम लंबा सा चावल हो गया है, फूल गया है। तो इसी तरीके से हमें आप खिचड़ी बनाइएगा राम खिचड़ी, और बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। जितने इंग्रेडिएंट्स है उसी से बनाइएगा, बाहर जाके सामान लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इसे चाहे तो आप लंच में बना सकते हैं, डिनर में बना सकते हैं। एक पॉट के अंदर 35 से 40 मिनट में ये रेसिपी आप जितने लोगों के लिए चाहे बना सकते हैं। तो घर पर बनाइए लॉकडाउन के पीरियड में ये रेसिपी, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको राम खिचड़ी की ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं हम अगले वीडियो पर, तब तक के लिए आप सभी को बाय एंड टेक केयर।